चलिए रुख कर लेते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर है भिवानी से। भिवानी में दहेज रूपी दानव ने दो परिवारों को एक होने से रोक दिया। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो एक दुल्हन सजी की सजी रह गई। फेरों से पहले ही दूल्हा अपनी दुल्हन लिए बिना बारात को वापस लेकर के लौट गया। इसके बाद वधू पक्ष की तरफ से दूल्हे समेत परिजनों के खिलाफ थाना सदर में शिकायत दी गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ममता है 23 जून को शादी थी और बारात आने के बाद उन्होंने कही हमने गाड़ी चाहिए एफटी चाहिए और फिर हमारी मांग पूरी ना हुई फिर भी अपनी बारात रोटी लेके चले गए। फिर हमने इंसाफ चाहिए उनका। कहाँ से बारात आई थी? भिवानी से ही बारात गई थी। नाम बता दे, क्या मांग करते हो आप? हम तो ये मांग कर हमने कुछ जमा इंसाफ चाहिए। शादी में हलवाई थी जिन्होंने फेरों से पहले ही गाड़ी और एक एफडी की डिमांड की थी, वो हम पूरी नहीं कर पाएगी, अपनी बारात को वापिस ले गए। और जी हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि कल किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। मैंने लड़की का रिश्ता भिवानी तय किया था जिसकी शादी 23 जून को थी, ठीक है, मंगलचंद के यहाँ भिवानी बी टी एम चौक पे रिश्ता तय किया था। 23 जून को शादी थी जी। शादी तक हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उन्होंने 1 रुपया नारियल की मांग की थी। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया और शादी वाले दिन वो बारात लेकर गांव में आए तो उनका तौर बदला हुआ मिला। आते ही साथ वाटिका में बोल धर्मशाला में बोल दिया कि वाटिका बुक नहीं किया था। और जैसे ही वो दुकान के लिए घर पे निकले तो घर पे जाने के बाद उन्होंने जैसे ही घर में एंट्री करने की कोशिश की तो बोल दिया अगर आप हमें गाड़ी और हमारे लड़के के नाम एफडी कराओगे तो ही हम फेरे लेंगे, नहीं तो अन्यथा हम वापस चले जाएंगे आपकी लड़की को और आपको यहीं ऐसे कहा से छोड़। एक शादी में है ना झगड़ा हो तो लड़की पक्ष और लड़का पक्ष का जो तलाब पागल में टूट गया था तो उस ममता नाम की लड़की उसकी शादी आसमान के लड़के के साथ तय हुई थी। उनकी किसी बात पे विवाद होगा, उस बात को उनका झगड़ा होगा तो जो भी दोनों पक्ष कोई दरख्वास्त देगा तो साथ आता था। लड़के ने गाड़ी मांगी है और क्या लग रहा है? ये देखो इन्वेस्टिगेशन या जांच का विषय है, दोनों पक्ष आमने सामने करके पहले जांच की जाएगी, अगर उसने ऐसी वो करी है तो उसके उचित कार्रवाई।